बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी बजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बजिया के संग। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पाए जो हैं तैयार हैं, ये देखिए। हमने रात में ही तैयार कर लिया, नाश्ता पाए का कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हमने बनाए हैं पाए, तो आज ईद का तीसरा दिन है, पाए बनाए हैं। पाए के साथ हमने बनाई है फेनिए। तो ये पाए जो है मैं बनाते हुए वीडियो नहीं बना सकी, मसरूफियात ही इतनी है। तो अभी पाए जो मैं ऐसे बनाती हूँ, यखनी बना के फिर मैं पाए बनाती हूँ। और हमारे यहाँ पाए जो हैं ऊपर की छिले हुए खाए जाते हैं, वो नहीं कि ऊपर की जो होता है पूरा छील के, तो फिर पाए तो थोड़े से रह जाते हैं। तो मैं इसमें बौंग का गोश्त डालती हूँ। तो गोश्त मैं अलहदा बना लेती हूँ, जैसे गोश्त बनाते हैं बड़े बड़े पीस, और पाएँ की मैं यखनी बना लेती हूँ। और फिर जब दोनों चीज़ें सालन को अलग भून लिया, पाए एकदम तैयार हो गए, तो वो हम उसमें डाल के तो दम दे देते हैं। यखनी जो होती है इतनी डालते हैं जितना हमें शोरबा भी चाहिए हो, तो हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे हैं पाए। तो ईद के पहले दिन हमने बनाया शीर खुरमा और उसका चिकन और कोफ्तों का कोरमा, दूसरे दिन बिरयानी और ज़रदा, और आज तीसरा दिन है, आज हमने बनाए हैं पाए और साथ मीठे में फेनिए। तो ये पाए बहुत ही लजीज बने हैं, आज सबसे ज़्यादा इनमें इंजॉय करेंगे सब खाने वाले। पाए बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आप भी यखनी बना कर देखें। वैसे भी बनते हैं डायरेक्ट, शुरू पहले मसाला भून लें फिर बना लें, उस तरीके से भी बनते हैं, लेकिन यखनी वाले बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप भी इस तरीके से बना कर देखिए, एक अलग ही जायका होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर होगा इसका। तो ये मैंने रात को ही तैयार कर लिए थे और अब हम सुबह इसमें नाश्ता कर रहे हैं। तो रोटी नाम तो सुबह सुबह मिले नहीं, तो घर में ही मैंने फिर रोटी बनाई है। तो हम नाश्ता कर रहे हैं आज पायों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी ये दमदार करेजी तैयार है। तो इसको हमने दम देकर बनाया है, तो कलेजी जो है तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब मैं बना रही हूँ कलेजी। ये ईद का पहला दिन है और काम अभी ख़त्म नहीं हुए, तो अभी कलेजी भी बनाने की आ गई। तो ये थोड़ी सी मैंने कलेजी ली, 300-400 ग्राम होगी, और इसके लिए हम मैंने लिया है ये एक प्याज, छोटा सा होना चाहिए था लेकिन थोड़ा मैंने दरमियाना सा ले लिया। टमाटर भी एक छोटा डालना चाहिए लेकिन मैंने दो टमाटर ले लिए, क्योंकि थोड़ा सा मसाला फरमाइश आई है कि मसाला चाहिए। और ये कुटी मिर्चें हमने हल्की टीस्पून ले लिया एक, ये इस पर डाली हुई। ये हमने हल्दी भी आधा चम्मच इस पर ही डाल दी, ये थोड़ा सा नमक। और ये अब आइए अब हम शुरू करते हैं। तो ये मैं दम वाली कलेजी बनाऊँगी। तो इसके लिए हमने ये पानी पहले से बॉईल होने रख दिया था, पानी में थोड़ा सा नमक डाल के हमने टीस्पून नमक डाला, क्योंकि हमारी कलेजी थोड़ी सी है, मैंने थोड़ी सी बनानी है। टीस्पून हमने नमक डाल के पानी रख दिया, पानी बॉईल हो गया तो हमने इसमें कलेजी डाल दी। इस तरह करने से ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है और थोड़ा सा निकल जाती है, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, जिसने नहीं भी खानी होती वो भी खा लेता है। तो अब हम करते हैं इसके बाद अगला स्टेप। जी तो अब हमने इसमें ये डाल दिए, टमाटर, प्याज, कुटी मिर्च, नमक, हल्दी। और इसके बाद हमने डाल दी ये कलेजी, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी।
ये हमने डाल दिया पानी, अब इसको दरमियानी आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी से ये बनती है, ये दम वाली कलेजी। मीठी ईद पे तो हम ये करते हैं कि सब चीज़ें तकरीबन एक दिन पहले रात में ही तैयार कर लेते हैं, तो इतनी होती तो है मसरूफियात, लेकिन खाना वगैरह हर चीज़ रात में तैयार ज़्यादातर कर लेते हैं। लेकिन इस ईद पे तो जो होता है थोड़ा सा सुबह के लिए थोड़ा सा रात में तैयार, खीर कुरमा हो गया और कोई एक आध डिश हो गई, बाकी तो ईद के दिन ही सब कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी का गोश्त भी देखना, देना दिलाना और बाकी भी सारे काम। तो इस ईद पे बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये त्यौहार रखा और मसरूफियत रखी, उस परवरदिगार की मेहरबानी है। तो अब हम इसको रख देते हैं दरमियानी आँच पे पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए, कलेजी को हमने भून लिया है अच्छी तरह, बिल्कुल एकदम खुशक कर लिया है। प्याज जैसा कि बताया मैंने दो डाल दिए, वो टमाटर, तो इसमें किलो भी होगी तो एक दरमियाना प्याज और टमाटर भी एक दरमियाना या बढ़िया दो। तो ये तो हमने थोड़ी सी बनाई है, तो ये इसको हमने ये देखें अच्छी तरह भून लिया कलेजी को, और इधर हमने ये देखें इसको कोले को हमने इस पर ऐसे रख के जला लिया। तो अब हम इसमें रखेंगे ये प्लेट, हरा कोई पत्ता या रोटी का छोटा सा पीस भी, टुकड़ा भी रख सकते हैं। ये हमने कोला रखा और ये हमने इस पे डाला, ये ऑयल डाला और इसको हमने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये हमारा जो है दम आ गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने ऐसे इसको निकाल दिया, ये हमारी तैयार हो गई। तो ये बहुत मज़ेदार बनती है, इस तरह दम दे के टिक्के का फ्लेवर आ जाता है। और इस तरह आप मटन और बीफ दो और चिकन सब तरह की कलेजी बना सकते हैं, लेकिन बीफ और मटन तो ज़्यादातर भुनी हुई मसालेदार और या उसकी तवे पे बनी हुई बहुत तवा कलेजी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो चिकन कलेजी इस तरह बनाई हुई बहुत ही मज़ेदार लगती, और चिकन की कलेजी जब भी कभी बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी ये दमदार कलेजी तैयार है, तो इसको हमने दम देकर बनाया है, तो कलेजी जो है तैयार है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।